ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हैं लच्छू गाइस के साथ आज की ताज़ा खबर। जी नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे अपनी बुद्दी पंचायत की, जो कि है देखें यहाँ पे कब्रिस्तान का क्या हाल है। कब्रिस्तान है यहाँ पे जहाँ पे कि हमारे दादा परदादा दफनाए गए हैं और हमारा कब्रिस्तान यही है। और देखें और जितना भी गांव का पानी है ये सारा इधर जा रहा है, नीचे को जा रहा है, कब्रिस्तान में जा रहा है। और यहाँ पे पहले काम आया हुआ था लेकिन कुछ लोगों ने इसको डिसमिस कर दिया, जो कि आगे काम कर दिया है, आगे काम पूरा कर दिया लेकिन इधर पे छोड़ दिया। देखिए इधर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से पीछे आप नज़र मारें और हमारी ज़मीन का क्या हाल है। और ये देखिए, ये आपको मैं बोलता हूँ कि बुद्दी के 50% लोग जो हैं उनका पानी इधर आधा है, वो सारी हमारी ज़मीन में गिरता है। देखिए क्या हाल है हमारी ज़मीन का, इधर देखो। और ये जो जितना भी पानी है ये सारा कब्रिस्तान में जा रहा है। ये देखें यहाँ पे कब्रिस्तान है, जो कि सारा पानी कब्रिस्तान में जा रहा है। तो चलो अब हम आगे नज़र मारते हैं तो देखें आगे का हाल क्या है। और ये बुदली पंचायत का रास्ता है, ये बुदली का रास्ता है। देखें बहुत सारे सरपंच हमने अपील की कि हमारा ये काम रखो और नहीं, कोई नहीं सुन रहा है हमारी, जो कि आज हमारे सरपंच दानिश मलिक हैं, जो कि बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे काम हो रहा है जहाँ पे काम नहीं होना चाहिए, और वैसी जगहों पे काम हो रहा है और जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे काम हो ही नहीं रहा। इधर देखिए हमारी ज़मीन का क्या हाल हो रहा है, और हमारी रोज़ी रोटी यही है वो। तो इधर देखिए आप हाल देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो, हमारी ज़मीन का हाल देख सकते हो क्या हालत है। पूरे गाँव वाले गंद फेंकते हैं, पानी पूरा आ रहा है, पूरे गाँव का पानी इधर आ रहा है। इधर देखिए हाल, ये पानी सारा जा रहा है हमारी ज़मीन में। इधर देखिए हमारी ज़मीन का क्या हाल, हमारी रोज़गारी तो यही है, हमारा खाना पीना तो यही है। तो मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी तनख्वाह क्या है, उनकी तनख्वाह तो सिर्फ 2500 से 3000 है और हमारा गुजारा उस पर नहीं हो सकता है। हमारा गुजारा बस हमारी ज़मीन, और ये देखिए हमारी ज़मीन का क्या हाल है, ये सारा पानी जो है हमारी ज़मीन में गिर रहा है। तो देखिए हमारी ज़मीन का क्या हाल है, क्या बताएं आप। और ये तो बहुत सारे लोगों को हमने बोला कि हमारी ज़मीन जानी, बहुत सारे गाँव वालों का पानी आ रहा है और कोई इस काम के लिए राजी नहीं हो रहा है। आज ये काम पे रखना है और इससे आगे कुछ बहुत सारा हो गया है, लेकिन इस काम पे कोई राजी नहीं हो रही है। क्या क्योंकि ये गरीब ज़मीन, क्योंकि इसमें लोगों का पूरा पानी, बाथरूमों का पानी, नलों का पानी, पूरा गंद फंद, लगभग तो ये मठांची से पानी आता है, मठांची बुदली पूरा कवर होता है। और उन लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा कि आगे किसी की ज़मीन है। और चल वो तो नहीं सोचे, लोग तो नहीं सोचे, कम से कम सरपंच को तो सोचना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने ये हाल दिखाई देते हैं, ज़मीन का क्या हाल। इधर देखो ये बुदली पंचायत का रास्ता है, ये है बुदली का रास्ता।